कटिहार पुलिस ने हथियार तस्करों के बड़े गिरोह का उद्भेदन कर हड़कंप मचा दिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मधेपुरा गांव में पुलिस ने छापेमारी की है। यहां पर चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जहां से भारी संख्या में ऑटोमेटिक हथियार और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मुख्य सरगना को धर दबोचा है। कटिहार पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार के निर्देश पर और SDPO ओम प्रकाश के नेतृत्व में ये सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक मधेपुरा गांव में कई माह से चोरी छिपे मिनी गन फैक्ट्री का धंधा चल रहा था। पुलिस ने 3 ऑटोमेटिक पिस्टल और भारी संख्या में अर्धनिर्मित पिस्टल समेत भारी मात्रा में जिंदा कारतूस को बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने इसके मुख्य सरगना को भी गिरफ्तार किया है। कल लेट नाइट जो है गुप्त सूचना मिली थी, उस गुप्त सूचना के आधार पर जो है छापेमारी की गई। उसमें जो है मधेपुरा में एक जगह है जहाँ की अवैध हथियार जो है भारी मात्रा में जो है बरामद हुआ है। इसमें 3 देसी पिस्टल है, 1 देसी रिवॉल्वर है, 2 देसी कट्टा है, 2 अर्धनिर्मित जो कि बना ही हुआ है थोड़ा उसमें और बाकी है, और 2 अर्धनिर्मित देसी कट्टे का बड़ी बैरल भी है, उसमें गोली भी है, 20 जो है जिंदा कारतूस है 7.65 का, उसके बाद 0.315 का भी 2 है, और बाकी जो भी मैगजीन वगैरह है वो है, जो हथियार बनाने का जो सामान है वो है, वो सब बरामद हुआ है। और जो मेन जो अभियुक्त है वो भी जो है वो पकड़ा गया है, उसको विधिवत हम लोग गिरफ्तार करके फॉरवर्ड कर रहे हैं। कब से चल रहा था सर ये, क्या है ये? तो इसमें जो है हम लोग जांच कर रहे हैं, ये कहां से इसका कनेक्शन है, कब से ये काम कर रहा है, और आगे भी जो है इसमें हम लोग छापामारी करेंगे। लोकल सप्लाई है या बाहर सप्लाई हो रहा था, इस तरह का कुछ बात है? अभी सप्लाई के एंगल पर जो है हम लोग बात इससे पूछताछ किए थे, तो कुछ जगहों पर जो है ये बताया कुछ, तो उस वो जो है हम लोग करेंगे छापेमारी, उसके बाद आपको हम लोग बताएंगे। थैंक यू।